यहाँ पर आप देखेंगे नेजेंसी न्यू दिल्ली 2022 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएटिकल मेडिकल एंडल्ट ऑन द सेवन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली गोर्मेंट ऑफ इंडिया ऑफ द कैंडेट बिलोंगिंग टू टी ऑफ जम्मू इन नेशनल एलिजिबिली कम एंट्रेंस टेस्ट बोर्ड ऑन ट्वेंटी को रोल नंबर थीट्स फॉर एम बीबीएस ए नोटिफिकेशन इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन चेक रिजल्ट ऑन द वेबसाइट तो आप अपना रिजल्ट आप जाकर देख सकते हैं फर्दर इट इज फॉर द इफॉर्मेशन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर आप देखेंगे फर्दर इट इज फॉर द इफॉर्मेशन ऑफ द एलिजिबल कंडिडेट्स दैट फ्रॉम करंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्लियरली यहां पर मैंशन हो चुका है जेके बोपी के ऑफिशियल नोटिस के अंदर दैट द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट 15 15 फॉर द ऑल इंडिया कोटा एज पर लेटर्स तो बिल्कुल इस बार मैंने जैसा कि कहा था कि परसेंट ऑल इंडिया कोटा होगा एंड डेफिनेटली इट इज गिवन इन द नोटिस दैट दिसर फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा विल बी अप्लाइड इन जम्मू एंड कश्मीर द बोर्ड शेल नोटिफाई द शेड्यूल फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट सेपरेटली एंड एलिजिबल विलिंग कैंडिडेट्स इन दियर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज to remain in touch with the bopi website for the details uh, uh, for the daily updates and keep uh, all the relevant documents certificates ready for registration as when as asked for the same moreover the candidates who have appeared in NEET UG 2022 from other states duty whose roll number do not figure in an extra a टू द नोटिफिकेशन बट क्लेम टू बिलोंग टू दूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख है अगर किसी कारण आपका जो आ, रोल नंबर है वो इस लिस्ट के अंदर नहीं होगा ऑफिस एंड आपको अपनी डोमिसाइल जो है हाँ वो शो करनी होगी एंड उससे आप अपने स्कोर को देख सकते हैं आपका जो यानी कि आप स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो करके काउंसलिंग के थ्रू आप सीट ले सकते हैं बट दिस ईयर ऑल इंडिया कोटा हंड्रेड परसेंट अप्लाई हो चुका है जैसा कि मैंने कहा था अब सोन मैं आपके साथ कट ऑफ भी शेयर कर दूंगा क्योंकि इस लिस्ट को जब आप सीरियली अरेंज करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो मिल जाएगा सोन जेके बोपी जो है वो रोल नंबर वाइज लिस्ट को सॉरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा एंड फिर हमारे पास स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आप उम्मीद करें आप एक हफ्ते के अंदर आप स्टेट का एक से दो हफ्ते के अंदर स्टेट मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगी एंड फिर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाएगा तो फाइनली लिस्ट है आप अपना रिजल्ट चेक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें बिकॉज जो भी रिलेटेड अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो